हेलो दोस्तों, टेक्नोलॉजी के एक और धमाकेदार मोबाइल कंपैरिजन में आप सबका स्वागत है। आज यहाँ पर मैं रियलमी नार्जो N53 का रियलमी 10 के साथ डिटेल में कंपैरिजन करने वाला हूँ। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगेगी। वैसे तो मैं आपके लिए ऐसी मोबाइल कंपैरिजन वीडियो लाता रहता हूँ, लेकिन मैंने इस वीडियो को रियलमी नार्जो N53 के ऑफर के प्राइस को ध्यान में रखते हुए क्रिएट किया है। यहाँ पर मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ कि आपको इन दोनों स्मार्टफोन में से किस स्मार्टफोन को किस कंडीशन में परचेज करना चाहिए। तो आप दोनों ही स्मार्टफोन की स्पेसिफिकेशन पर एक नज़र डाल लीजिएगा।
अगर आपने हमारा धमाकेदार मोबाइल कंपैरिजन रियलमी नार्जो एन 53 का रियलमी सी 35 साथ ही साथ रियलमी सी 55 के साथ नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को आप चेक करिएगा, वहां पर मैं इन दोनों वीडियो का लिंक आपको दे दूंगा। अब मैं आपको बताने वाला हूं कि आपको इन दोनों स्मार्टफोन में से किस स्मार्टफोन को किस कंडीशन में परचेज करना चाहिए। सबसे पहले हम दोनों स्मार्टफोन की प्राइस की बात कर लेते हैं। अगर आप फर्स्ट सेल में रियलमी नार्जो एन 53 को परचेज करते हो तो इसका ऑफर प्राइस आपको 8,500 रुपये के आसपास देखने को मिलता है। वहीं फ्लिपकार्ट की किसी भी सेल में आपको रियलमी 10 का ऑफर प्राइस 11,500 रुपये के आसपास आसानी से देखने को मिल जाता है। शुरुआत करते हैं दोनों स्मार्टफोन की बिल्ड क्वालिटी एवं डिजाइन से। तो बिल्ड क्वालिटी आपको दोनों ही स्मार्टफोन में बिल्कुल सेम देखने को मिलती है। वहीं आपको दोनों ही स्मार्टफोन में डिजाइन भी एकदम क्लियर देखने को मिल जाता है। अगर दोनों स्मार्टफोन के डिस्प्ले की बात करें तो डिस्प्ले के मामले में रियलमी 10 रियलमी नार्जो एन 53 से काफ़ी आगे निकल जाता है। यहाँ पर आपको सुपर एमोलेड पैनल दिया गया है जो कि पंचोल के साथ आता है। साथ में आपको 1000 निट्स की ब्राइटनेस भी देखने को मिल जाती है जिससे आपको आउटडोर विजिबिलिटी में भी कोई भी इशू देखने को नहीं मिलता है। तो नो डाउट आपको डिस्प्ले क्वालिटी रियलमी 10 में काफ़ी कमाल की देखने को मिलती है। बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन के कैमरा सेटअप की। तो कैमरा क्वालिटी भी आपको रियलमी 10 में रियलमी नार्जो एन 50 की अपेक्षा थोड़ी सी बेटर देखने को मिलती है। यहाँ पर आपको सेल्फी कैमरा काफ़ी अच्छा दिया गया है। बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन के परफॉर्मेंस की। तो परफॉर्मेंस आपको रियलमी 10 में एकदम क्लियर देखने को मिलती है, वो चाहे ऑल ओवर परफॉर्मेंस हो या फिर गेमिंग परफॉर्मेंस। यहाँ पर आपको मीडियाटेक का हेलियो G99 वाला चिपसेट दिया गया है जिससे आपको पावर इफिशियंसी भी काफ़ी कमाल की देखने को मिल जाती है। दोनों ही स्मार्टफोन में आपको बैटरी और चार्जिंग स्पीड बिल्कुल सेम देखने को मिलती है। अगर आपका बजट 8,000 से 8,500 रुपये के आसपास है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आपको फर्स्ट सेल में नार्जो एन 53 को विद बैंक ऑफर के साथ परचेज करना चाहिए। वहीं अगर आप इसके हायर वेरिएंट को परचेज करने की सोच रहे हो जिसका एक्चुअल प्राइस आपको 11,000 रुपये के आसपास देखने को मिलता है, वहीं इसका ऑफर प्राइस आपको 10,000 रुपये के आसपास देखने को मिल रहा है। अगर आप इस वेरिएंट को परचेज करने की सोच रहे हो तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आपको थोड़ा सा इन्वेस्ट करके रियलमी 10 को परचेज करना चाहिए। यहाँ पर आपको डिस्प्ले कैमरा बैटरी परफॉर्मेंस सब कुछ अच्छे एक पैकेज के रूप में देखने को मिल जाता है। आप हमें कमेंट्स करके बताइएगा कि आपके अकॉर्डिंग इन दोनों स्मार्टफोन में से कौन सा स्मार्टफोन बाय बर्थ रहेगा। साथ ही साथ कमेंट्स बॉक्स में अपना फीडबैक और सजेशन देना ना भूलें। अपने इस बाय को सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को भी ऑल कर लें जिससे आपको ऐसे ही मोबाइल कंपैरिजन वीडियो मिलते रहें। वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक कीप सपोर्ट कीप लव।